हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ में चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आपको बोला गया है जो आपके ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं तो आपने वो चूज करके के फिलअप्स फिल करनी है ठीक है बेटा तो फर्स्ट हमारे पास है ऑल सर्कल्स आर डैश जो हमारे पास सर्कल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा सिमिलर होते हैं कैसे बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर करना है ये हमारे पास सर्कल है विद रेडियस वन सेंटीमीटर और ये सर्कल है विद रेडियस टू सेंटीमीटर ये जो है सर्कल क्या होंगे सिमिलर होंगे बट कॉन्गोरेन्ट नहीं होंगे क्यों क्योंकि फर्स्ट का रेडियस वन सेंटीमीटर है सेकेंड का रेडियस हमारे पास टू सेंटीमीटर है इसलिए ये जो फिगर है ये क्या हो जाएगी हमारे पास सिमिलर क्या हो जाएगी बेटा ये सिमिलर ओके okay, बेटा अब दूसरा है हमारे पास ऑल स्केयर्स आर डैश सिमिलर है कि कॉन्ग्रेंट है तो ऑल स्केयर्स भी हमारे पास क्या होंगे सिमिलर होंगे ठीक है स्केयर के यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो नाइन्टी डिग्री होते हैं और साइड जो हैं वो इक्वल्स होती हैं ठीक है ठीके? बेटा अब ये आपने बड़ा एक स्केयर ले लिया यहाँ पे भी इसके एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे नाइन्टी डिग्री होंगे और जो इसकी साइड है वो हमने फोर ले ली अब यहाँ पे एंगल्स इक्वल आ गए साइड जो है उनका प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा सबका सेम आ जाएगा ठीक है तो इसलिए ये क्या होगी हमारे पास सिमिलर फिगर्स होगी ये कॉन्ग्रेंट नहीं हुई क्यों क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है वो सेम नहीं है बेटा ठीक है अगेन ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिमिलर फिगर ठीक है बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर क्या सारे के सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इक्ूलेट्रल ट्रायंगल वो क्या आएगा आपके पास इक्ुलेट्रल ट्रायंगल जैसे आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं दूसरा ये बड़ा आप ट्राइंगल ले लिया आपने ठीक है बेटा यहाँ पे अंदर जो एंगल्स होते हैं सबके वो क्या होते हैं एंगल सिक्सटी डिग्री होते हैं ठीक है बेटा अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये किया था आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और ये सिक्सटी डिग्री है बेटा और यहाँ पे अगर हमारी साइड हमने थ्री थ्री ले ली और ये आपने ले लिया सिक्स 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 तो हमारे पास अंदर के एंगल्स सेम है और साइड भी क्या आ रही हैं प्रोपोर्शन आ जाएंगी साइड का क्या आ जाएगा प्रोपोर्शन इक्वल आ जाएगा ठीक है आपने कटिंग की तो वन बाई टू आ गया ये भी ओके okay, तो ये हमारे पास क्या आंसर आया ऑल इक्ूलेटरल इक्ूलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर और फोर्थ वन है टू पॉलीगंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कहते दो पॉलीगन जो हैं आपके पास उसकी अगर नंबर ऑफ साइड सिमिलर होंगी इफ़ देयर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर अगर उसके कॉरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे क्या होंगे कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल ठीक है कैसे बेटा जैसे आपने देखा हमारे पास ये क्या है स्केयर है ठीक है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं और एक आपने बड़ा स्केयर ले लिया ओके बेटा तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है नाइन्टी है दोनों के ठीक है और इसके जो साइड्स अभी हमने किया था ये टू टू ले लिया ये आपने फोर फोर ले लिया सिक्स ले लो कुछ भी ले लो तो साइड का जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास क्या आया था सबका इक्वल आया था कटिंग किया आपने तो क्या आया था वन बाय टू अंदर के ईच एंगल जो हमारे क्या होते हैं नाइन्टी डिग्री तो मतलब कॉरस्पोंडिंग आगे है हमारे पास देयर कॉरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल क्या है प्रोपोर्शनल ठीक है बेटा नेक्स्ट हमारे पास है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर अब सिमिलर फिगर आपने ऊपर किया सर्कल ले लिया आपने फर्स्ट एग्जांपल आपने जैसे ये सर्कल ले लिया और ये बड़ा वाला सर्कल ले लिया दूसरी आपने एग्जांपल लिए एक स्क्वायर ले लिया ये और एक बड़ा वाला स्क्वायर ले लिया आपने ठीक है बेटा साइड दे दिया आपने इसको टू दे दिया इसको फोर दे दिया सेंटीमीटर ठीक है बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर है ओके okay? तो ये रेडियस हमारे पास ये वन सेंटीमीटर का रेडियस है ये टू सेंटीमीटर का टू डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देनी है वो दे दी अब नॉन सिमिलर फिगर्स आपके पास क्या हो जाएंगी नॉन सिमिलर फिगर जैसे आपने ये रेक्टेंगल दे दिया इसके भी एंगल हमारे पास नाइन्टी डिग्री होते हैं रेक्टेंगल के ठीक है चारों एंगल्स तो इसके साथ हमने दे दिया स्केयर इसकी जो साइड है यहाँ पे फोर ले लिया टू ले लिया फोर और टू बट यहाँ पे जो साइड है ये क्या आया टू टू आया बट एंगल जो है इक्वल हैं सारे अंदर के नाइन्टी डिग्री बट साइड जो है वो प्रोपोर्शन नहीं है उसका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है इसलिए जो है ये नॉन सिमिलर फिगर होगी फर्स्ट ये एग्जाम्पल सेकेंड एक और ले लो अगर आपने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया एक ठीक है ये ट्राइंगल ले लिया बेटा यहाँ पे एट्टी डिग्री है आपके पास ये फोर्टी डिग्री है और ये सिक्सटी डिग्री है ठीक है बेटा दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया पी क्यू आर और ये ले लिया आपने फिफ्टी डिग्री ये ले लिया सिक्सटी डिग्री और ये सेवनटी डिग्री आप देख रहे हैं ए पी के इक्वल है नहीं बी क्यू के इक्वल है नहीं सी क्यू आर के इक्वल है नहीं तो ये हमारे पास अंदर के जो एंगल्स हैं वो क्या हैं इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिमिलर फिगर होगी ओके क्लियर है बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला स्टेट वेदर द फॉलोइंग कॉर्डिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट क्या आपके पास ये कॉर्डिलेटर सिमिलर हैं तो हमें जो इसकी साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन जो आप देख रहे हैं जैसे आपने पी क्यू अपॉन ये लिया ए बी ठीक है पी क्यू अपॉन ए बी लिया और दूसरा क्यू आर अपॉन क्या लिया आपने बी सी लिया और दूसरा हमारे पास है एस आर एस आर अपॉन डी सी एंड एस पी अपॉन ए डी तो इनका जो हमारे पास जो प्रोपोर्शन आया है वो आया है बेटा पॉइंट हटा जीरो आया कटिंग किया आपने फिफ्टीन वन ज फिफ्टीन ये वन बाई टू आया है प्रोपोर्शन साइड का तो सेम है बट जो एंगल आप देख रहे हैं वो डिफरेंट हो गए ठीक है यहाँ पे स्क्र में तो आपके पास जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री हैं बट यहाँ पे नाइन्टी डिग्री एंगल नहीं है तो यहाँ पे जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आए हैं वो सेम नहीं हैं तो आप क्या लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम ठीक है इसकी वजह से ये हमारी जो फिगर हैं दे आर नॉट सिमिलर आप ले केंगे हेन्स दीज टू फिगर्स आर नॉट सेम ओके बेटा थैंक यू